بالله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور ہمارے میرے ساتھ آنے والے سارے احباب हमारे महबूब भाई की क़ियादत में चलने वाले और अभी कुछ बोरसद वाले भी आए, हाँ बोरसद वाले भी मिले, अहमदाबाद वाले भी मिले। खैर हम लोगों की अभी थोड़ी देर में रवानगी है, आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह हमारा सफ़र आसान फरमाए। इस वक्त मैं जो बात करने जा रहा हूँ ये 1992 की बात करने जा रहा हूँ, 1992 जब मेरा निज़ामुद्दीन मरकज पर जाना हुआ और वो जाना भी बड़ा अजब जाना था। वो मैं सहारनपुर में पढ़ता था, मज़ाहिर में, मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर में मेरा पढ़ना था। तो जो मेरे उस्ताद अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस जो मरहूम हो गए हजरत शेख मौलाना यूनुस साहब, अल्लाह उनके सदके हमारी मगफिरत पर, अचानक उनको उमरे में जाने का हुआ तो मुझे बुलाया, मुझे कहा कि मैं उमरे में जा रहा हूँ तो तू बेटा दिल्ली घूमने जा। मुझे कहा बेटा दिल्ली घूमने जा, और हम चार साथी थे नूर भाई। कहा बेटा तू दिल्ली घूमने जा, और एक खत दिया हाथ में, कहा ये सिर्फ मरकज से मौना उमर साहब को दे देना, मौना उमर पालनपुरी नव्वर अल्लाह मरकज को दे देना। तो हम तो बहुत खुश हो गए, और साथ में हजरत शेख यूनुस ने पैसे भी दिए कि ये टिकट का खर्चा, वहां तुम खाओगे पियोगे। हम तो चारों चार खुश हो गए कि हजरत शेख यूनुस साहब ने हमको पैसा भी दिया और दिल्ली घूमने जाने को दिया। अब सहारनपुर से दिल्ली मतलब 3-4 घंटे का रास्ता, ट्रेन चले बसें चले। फिर हम वहां पहुंच गए, मरकज पर पहुंच गए। हम मरकज पर पहुंचे तो मौलाना उमर पालनपुरी को उससे पहले कभी देखा नहीं था, तो कहां होंगे कहां होंगे, कभी इसको पूछ कर दूर, क्योंकि हमारे दिमाग में एक बात थी कि यूं खत दो और यूं यहां से निकलो। तो गए मरकज को देखा, मर माशाल्लाह पूरा मरकज आबाद था, कोई सीढ़ी पर बैठा, कोई चप्पलें सीधी कर रहा। किसी ने बताया कि देखो जोहर की नमाज हो गई, मौलाना उमर साहब वो कमरे में जाएंगे। तो मैंने कहा भाई कह देना कि वो हजरत शेख यूनुस का खत देने आए हैं, बाकी कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। हम मौलाना उमर पालनपुरी की भी फिरासत थी, तो जैसे हमको कहा आने दो आने दो, चारों बच्चों को आने दो। हम चारों बच्चे गए, हमने खत दी और हजरत सलाह वाले को जा रहे, कहा बैठो जरा खत तो पढ़ लो। मैं कहा इतने तो उस खत में लिखा था कि चार नालायकों को भेजा, उनको यहां से हटने मत देना, जब तक मैं उमरे से वापस ना आऊं इनको हटने मत देना। तो कहने लगे कि ये नाम लिए हमारा, अहमद अली कौन, दाऊद कौन। हमने कहा हमें कहा नालायक लिखा है, हम सबके चेहरे तो चूसे हुए आम की तरह ऐसे हो गए। फिर कहा कि वो हजरत ने कहा है कि यहाँ से जाना नहीं है और मेरे कमरे में चार बिस्तर लगेंगे, उस पर आराम करना है। खैर हमने पूरा तकरीबन 10-11 रोज हजरत के कमरे में गुजारे, लेकिन अल्लाह की कसम उनकी जिंदगी को देखकर हमने सोचा कि ये जिंदा अल्लाह का वली है। उस वक्त उन्होंने जो बात कही ना, वो बात मैं आपको बता रहा हूं कि कहा कि ये लोग जमातों में जा रहे, जमातों में जा रहे, जमातों में जा रहे। कोई सोचता होगा कि क्या मिलेगा। अब जैसे महबूब भाई चार महीना कोई कम नहीं है, अपनी बीवी को छोड़ना, बच्चों को छोड़ना, अपना कारोबार छोड़ना, 4 महीना चिल्ला 3 दिन, ये बहुत बड़ी मशक्कत वाला काम है। लेकिन अगर आप ये सुनोगे कि उस पर क्या मिलेगा, और जबान मेरी है बाकी कलाम तो उन्हीं का है, हजरत मौलाना उमर पालनपुरी नव्वर अल्लाह उमर कदव का कलाम है, और इतने उनकी जो मिठास थी बोलने की, यानी यूं समझो ना कि 2 घंटे में तो हमको उनका फैन कर दिया। जो हम उदास थे दिल्ली
दिल्ली घूमना, ये करना, खुद हमारे दिल ने कहा नहीं, जो जगह पर आए हैं बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, इतना प्यार और मोहब्बत उन्होंने दिया। तो उन्होंने कहा ये जो जमात की चलत फिरत हो रही है, हमको ही कहा था चार को बिठा कर, ये जमात की चलत फिरत हो रही है, लोग जा रहे आ रहे, अपना वतन छोड़ रहे, बीवी छोड़ रहे, बच्चे छोड़ रहे, इनको क्या 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 मिलेगा। तो हम भी हजरत का चेहरा देख रहे थे क्या मिलेगा। कहा मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, इनको तीन इनाम मिलेंगे, हमको भी मिलेंगे इंशाल्लाह। बोलो कितने इनाम मिलेंगे? तीन इनाम। और कहा ये जो जो इसमें जज्बा नहीं रखता, जो अल्लाह के रास्ते में निकलने की फिक्रें नहीं करता, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे, वो तीन इनामों से महरूम हो जाएगा। क्योंकि दस्तूर है, करोगे तो इनाम मिलेगा, नहीं करोगे तो इनाम नहीं मिलेगा। अब उन्होंने जो इनाम बताए कुरान पाक की रोशनी में, और कुरान पाक को इतने अच्छे अंदाज में पढ़कर सुनाया, कहा कि तीन इनाम मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला इनाम है कि अल्लाह ये जमात में चलने वाले फिरने वाले तीन दिन और चिल्ला और चार महीना, अल्लाह का वादा है, इसने मेरे रास्ते में जान की कुर्बानी दी, मेरे रास्ते में माल की कुर्बानी दी, अल्लाह फरमाते मेरा वादा है मौत से पहले हिदायत का फैसला हो जाएगा, मौत से पहले हिदायत का फैसला, जिसको अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जो मेरे रास्ते में जान और माल की कुर्बानी दे, अल्लाह फरमाते मेरा वादा क्या मिलेगी? अच्छा, और ये तीन इनाम जो मिलेंगे ना, ये अल्लाह ही दे सकते, अल्लाह किसी को कोई नहीं दे सकता। जैसे पहला इनाम कौन सा, ये कौन दे, मैंने साथ में बोलो ना कौन दे रहे, अल्लाह खुद फरमाते मैंने हिदायत दी, बाकी तुम्हारे बस में हिदायत थी नहीं। अल्लाह ने फरमाया वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। हमारे नबी फरमाते हमको भी जो हिदायत मिली तो देने वाला कौन, क्योंकि अगर हमारे हाथ में हिदायत होती ना, या थोड़ी देर के लिए हमारे आका बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम जिनसे बढ़कर कोई नबी नहीं, और आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर अल्लाह के बाद अगर किसी का दर्जा है तो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा। लेकिन हमारे नबी अपने चचा अबू तालिब के पास गए, ओ चचा या अम्मी, ए चचा कलमा पढ़ लो ना, ओ चचा कलमा, और चचा में बहुत मोहब्बत, चचा भतीजे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और चचा अबू तालिब में बहुत मोहब्बत। और हमारे नबी बार बार चचा के सर पे हाथ रखे, चचा कलमा पढ़ लो ना, चचा कलमा पढ़ लो ना, चचा कलमा पढ़ लो ना। लेकिन आखिरी वक्त आया, चचा कलमा पढ़ लो ना, चचा ने कहा मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा, और इंतकाल हो गया। तो चचा ने कलमा पढ़ा, तो अगर हमारे नबी के हाथ में हिदायत होती तो चचा का, और फिर हमारे नबी उसके बाद भी रोए। चचा का जब जनाजा उठा तो कहा अल्लाह मेरा चचा है, अल्लाह अल्लाह मेरे चचा है, अल्लाह मेरे वास्ते भूखे भी रहे, मेरे वास्ते प्यासे भी रहे, अल्लाह मेरे चचा है। अल्लाह ने फौरन जवाब दिया मेरे महबूब तुम मेरे महबूब हो, लेकिन हिदायत देना मेरे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। अल्लाह ने फरमाया इन्नक ला तहदी मन अहबबता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब मेरे मुस्तफा हिदायत देना तुम्हारे हाथ में नहीं, बोलो हिदायत ना किसके हाथ में। तो इंशाल्लाह दुआ करो कि ये हम जो निकले हैं, चाहे तीन दिन वाला हो, चाहे चालीस दिन वाला हो, चाहे चार महीने वाला हो, जाएंगे तो ये इनाम लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। कौन सा इनाम लेकर जाएंगे? अच्छा दूसरा इनाम, हाँ उससे भी तगड़ा इनाम, बहुत बड़ा इनाम। वो इनाम क्या है? कुरान करीम में जिक्र आ रहा है कि जान की कुर्बानी दे रहा है, अल्लाह के वास्ते माल की कुर्बानी दे रहा, फिर आखिर में अल्लाह फरमाते नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। ये नसरुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, पहले इसका स्टिकर मिलता था, हम बहुत घरों में लगा देते थे। उनको बोले ये क्यों लगाते, क्या कहे हैं पैसा बहुत आएगा। किसी ने कभी पूछा ही नहीं कि इसकी तफसीर क्या है। क्या आयत पढ़ो? नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, यानी जो अपने जान और माल की कुर्बानी दे अल्लाह मदद करेगा और कामयाबी उसके कदम को चूमेगी, वो कामयाब हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, बस वो कामयाब हो जाएगा। तो एक मतलब हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अनु आए, कहा अल्लाह के रसूल ये अल्लाह मदद करेगा, जान माल की कुर्बानी दे अल्लाह मदद करेगा, कामयाबी कदम चूमेगी, तो अल्लाह तो सबकी मदद करता है।
यहां तो कोई भी भूखा नहीं रहता, कोई जानवर भी भूखा नहीं रहता। अल्लाह तो सबकी मदद करता है और कामयाबी तो सबके कदम को चूमती है। कोई पहले नंबर पर पास होता, कोई दूसरे नंबर पर पास होता। हजरत अब्दुल्ला ने अपने अंदाज में कहा कि अल्लाह के रसूल, कामयाबी तो सबको मिल रही है, मदद सबको मिल रही, फिर ये क्या? हमारे नबी मुस्कुराए और फरमाया, तुम्हें इस आयत का मतलब ही नहीं मालूम है। नसरुम मिन अल्लाह व फतहुन करीब, अल्लाह की मदद आएगी, कामयाबी कदम चूमेगी। इसका मतलब है कि मौत के वक्त चाहेगा या ना चाहेगा, अल्लाह उसे कलमा नसीब कर देगा। दुआ करो कि अल्लाह ये दौलत भी हमको नसीब फरमा देवे, कि अल्लाह मौत के वक्त कलमा नसीब फरमा देवे। मालूम नहीं कब मरना हमको नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह ये दौलत हमको नसीब फरमा देवे। और तीसरा इनाम आ, झूमता हुआ इनाम, ऐसा धूम मचाता हुआ इनाम कि जो जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, अपने घर से निकल गया। क्योंकि जाहिरी बात है, घर से निकलने के बाद वो आराम तो नहीं मिलता, वो आराम नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ का गुसल खाना देखो और अपने घर का गुसल खाना देखो, यहाँ का इस्तिंजा खाना देखो, हमारे घर का इस्तिंजा खाना देखो। लेकिन वो अल्लाह के वास्ते चल रहा है, चल रहा। अल्लाह क्या फरमाते, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुन्जीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी سبيل الله بأموالكم وأنفسكم। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, ईमान वालों, अपने जान और माल को मेरे वास्ते फिदा करने वालों, मेरा वादा है, जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी तुम्हारे करीब नहीं आएगा। तो आज जाते जाते हमको ये दिमाग में रखना है कि ये तीन दिन हमने जो लगाए, या हमारे 40 दिन जो लग रहे, या हमारे अहमदाबाद वाले, हमारे महबूब भाई, हमारे बोरसद वाले, बिल्कुल देखो हालात पे हालात आएंगे। क्योंकि अल्लाह ने कोई तीनों आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी ना, उसमें अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि आराम करोगे तो हिदायत मिलेगी, आराम करोगे तो जहन्नम हराम होगी, आराम करोगे तो मौत के वक्त कलमा मिलेगा। एक ही लफ्ज आता है, तुजाहिदो तुजाहिदो तुजाहिदो, यानी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी, माल की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। जो चीज नहीं चाहते होंगे वो भी आपके सामने आएंगी, लेकिन सबको बर्दाश्त करते जाओगे तो हिदायत भी नसीब होगी, बोलो इंशाअल्लाह। मौत के वक्त कलमा भी मिलेगा, बोलो इंशाअल्लाह। और जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का खतरा भी हमारे करीब नहीं आएगा। तो सब करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर आपको ये देखना हो ना, तो ये तीनों चीजें मिल गई, हमको मिली नहीं मिली नहीं मालूम, लेकिन कुरान ने कहा है तो मिलना ही मिलना है। कुरान तो कोई गलत, कोई शक, कोई शुबा, कोई मिस्टेक कुछ नहीं। हम हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला की जिंदगी को ले लो और तीनों इनाम का मुताला करो। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला, हजरत बिलाल के पास कौन सा माल, कौन सी दौलत, कौन सा खानदान? तो हबशा के रहने वाले, हबशा के रहने वाले। और मेरा और जुनेद भाई का जब इथोपिया जाना हुआ, हम हबशा गए थे, मैं और ये जुनेद भाई, तो हमने टैक्सी वाला, हमारी फ्लाइट मिस हो गई, यानी इथोपिया गए, इथोपिया से आगे वाली फ्लाइट जो है वो मिस हो गई। मिस कैसे हो गई? हमारे लिए नहीं हुई वो, ये फ्लाइट देर में पहुंची तो वो फ्लाइट वहां से उड़ गई। फिर इसने तो बहुत ढोंग धतूरे किए वहां पे इथोपिया में। फिर उसके बाद में हमने वो टैक्सी वाले को पकड़ा, हमने कहा कि हमको यहाँ हजरत बिलाल कहाँ रहते थे वो जगह पे जाना है। तो टैक्सी वाले की आंखों में आंसू आ गए, उसने कहा कि हजरत बिलाल का घर थोड़ी था अफसर में, वो तो कभी इधर झोपड़ा बन गया, फिर कभी दूसरी जगह काम करने चले गए तो वहां चले गए, कभी इधर चले गए, वो उनका कोई घर नहीं था हजरत बिलाल का। यानी बिल्कुल बेसरो सामान हजरत बिलाल, और रंग भी अल्लाह ने कैसा दिया था, काले थे और हबशी थे। लेकिन हमारे नबी पर जो कुर्बान हुए, जो कुर्बान हुए, ऐसे कुर्बान हो गए कि जब हजरत बिलाल को अपनी फजाइल आमाल में पड़ा होगा, जब हजरत बिलाल को मारा गया, मारा गया, मारा गया, मारा गया, और हजरत अबू बकर बार बार आते थे, बिलाल नहीं अब अहद अहद ना कहो, अहद अहद अब ना कहो, तो हजरत अबू बकर को वादा करते थे हजरत बिलाल कि देखो आज मैं मार खाया हूं, आपने मरहम पट्टी कर दी, अब कल मैं अहद अहद नहीं करूंगा, आप फिक्र मत करना कि कल लोग मेरे को मारेंगे, कल मैं कुछ नहीं बोलूंगा, खामोश रहूंगा। दूसरे दिन हजरत अबू बकर वहां से गुजरते, फिर हजरत बिलाल के रोने की आवाज आ रही, चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही, गए तो पांच पांच शख्स मिलकर मार रहे हैं हजरत बिलाल को।
पांच पांच आदमी, और कैसे मार रहे, दो पांव पकड़े, दो हाथ पकड़ के यूं ऊपर से यूं जमीन पे पटक रहे हैं। तो हजरत अबू बकर फिर गए, बिलाल मना किया ना, मना किया था ना, अहद अहद मत कहो, खामोश रहो। तो कहते हाँ बराबर है, आपने मना किया था, मैं अब नहीं, अब नहीं, अब आपको मेरे मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ी मरहम पट्टी कर दो मेरे को। तीसरे दिन फिर हजरत बिलाल वो पहाड़ के पीछे से गुजरते, और फिर हजरत बिलाल के रोने की जो आवाज आ रही, वो हजरत अबू बकर पहाड़ के ऊपर से चढ़ के जब नीचे आए तो देखा इतना लहू लुहान कर दिया है, और बिलाल के सीने पर चक्की के पाट को रख दिया गया है। तो हजरत अबू बकर आए, और आने के बाद सब हटाया और कहा बिलाल तुमको मना किया था ना। तो हजरत बिलाल ने क्या फरमाया, अबू बकर मैं रोज कहता हूँ, अहद अहद नहीं कहूंगा, लेकिन क्या करूं, इसके बगैर तो मुझे चैन भी नहीं आता है, मेरे अल्लाह की तौहीद के बगैर मुझे चैन नहीं आता, मुझे अल्लाह, जिसको हमारे हकीम अख्तर साहब ने बहुत अच्छा लिखा, बुलबुल को न कर तू पाबंदे सुकून तो खामोशी, बुलबुल को न कर तू पाबंदे सुकून तो खामोशी, जब चमन याद आएगा फरियाद लबों पे आएगी। जब जब बिलाल को अल्लाह याद आएंगे तो ऑटोमेटिक आहद 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 निकलेगा। आपको मालूम है हजरत अबू बकर थोड़े नाराज हो गए कि बिलाल ये अब नहीं, ये इस तरीके से मामला नहीं चलेगा। तो हजरत बिलाल ने क्या फरमाया, ये नहीं कहा कि कल ऐसा होगा ने वैसा होगा, कहा अबू बकर एक सवाल पूछूं, हजरत बिलाल कितने प्यार से कहते मैं बहुत छोटा हूं, अभी तक मेरी नबी से बराबर मुलाकात भी नहीं हुई है, लेकिन अबू बकर मैं एक सवाल पूछूं। तो हजरत अबू बकर ने कहा पूछो, कहा ये मक्के की मार्केट में मटके बेचे जाते हैं, बोलो मक्के की मार्केट में मिट्टी के मटके बेचे जाते हैं, ऐसे ही खरीद लेते हो? हजरत बिलाल पूछ रहे हैं पूरे मरहम और पूरे जख्म में है, कहते वो मक्के की मार्केट में जहां मटके बेचे जाते ऐसे ही खरीद लेते हो? तो हजरत अबू बकर ने कहा नहीं, कहा क्या करते हो? फिर हजरत बिलाल ने फरमाया खरीदने से पहले उसको ठोकते हो, ठाक ठाक ठाक, क्यों ठोकते हो? ताकि पता चले कि कहीं लीकेज नहीं है, कहीं कोई सुराख नहीं है, वरना पानी डालेंगे तो सुराख में से पानी निकल जाएगा। तो हजरत अबू बकर ने कहा सही है, हम जब मटका लेते हैं तो उसको ठोक ठोक कर देखते हैं कि कोई उसमें सुराख तो नहीं। हजरत बिलाल ने जोर से चीख मारी, कहा मेरे दिल के मटके में अल्लाह ने ईमान को रखा है, मेरे दिल के मटके में अल्लाह ने ईमान को रखा है, वो भी ठोक ठोक कर देखता है कि मेरे बंदे के ईमान में कोई सुराख तो नहीं आ गया है, अल्लाह भी रोजाना ठोक ठोक कर देखता मेरे बंदे बिलाल के ईमान में कोई सुराख तो नहीं आ गया। मेरे दोस्तों इतनी तकलीफों के बाद लेकिन हजरत बिलाल को तीनों इनाम मिले, बोलो सुभान अल्लाह, पहला इनाम फिर बोलो क्या था, दूसरा इनाम कलमे मौत के वक्त कलमा, और नंबर तीन जहन्नम हराम। हजरत बिलाल को तीनों इनाम मिले, और कैसे मिले, एक मरतबा ऐसे ही अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज के बाद, बोलो कौन सी नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद बिलाल कहा, बिलाल कहा, बिलाल तो अजान देने वाले वहीं पर थे। हजरत बिलाल ने कहा अल्लाह के रसूल मैं यही हूँ, हमारे नबी की आंखों में आंसू थे, कहा आओ बिलाल आओ, हमारे नबी खड़े हो गए, हजरत बिलाल के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा अभी अभी जिब्रील आए, और जिब्रील ने आकर मुझे कहा कि अल्लाह ने बिलाल की हिदायत का फैसला किया और इनके सदके में पूरे हबशा वालों की हिदायत का फैसला कर दिया। अल्लाह ने इनाम दिया तो अल्लाह का इनाम तो ऐसा नहीं होता ना, लिमिटेड नहीं होता, अल्लाह का इनाम कैसा, बिलाल जाओ तुमको भी हिदायत और तुम्हारे सदके में पूरे हबशा वालों को हिदायत। और एक मरतबा क्या हुआ, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मरतबा अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फजर की नमाज के बाद ऐलान कर रहे, किसी ने कोई ख्वाब देखा, यह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लंबा जमाना था, फजर की नमाज के बाद आप बैठ जावे, भाई किसी ने कोई ख्वाब देखा, हल रहा अहदुम मिनकुम मिन रुया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, और साहबा अपना ख्वाब बताए और हमारे नबी ख्वाब की ताबीर बताए, हम लोगों को भी ख्वाब आते हैं ना, हमको तो ख्वाब पूछने को भी शर्म आती, कैसे कैसे ख्वाब देखते हैं उस्मान भाई, हमारे बहुत पूछता रहता है इसको, मैंने कहा भाई बस कर, अब कितने ख्वाब पूछेगा भाई, ख्वाब की ताबीर हमारा, तो वो साहबा ख्वाब बताते थे और हमारे नबी ख्वाब का। एक दिन हमारे नबी फजर की नमाज के बाद बैठे और फरमाया कोई अपना ख्वाब नहीं बताएगा, आज मैं खुद अपना ख्वाब बताऊंगा। और हमारे नबी का ख्वाब जैसे कुरान की आयत है, जैसे कुरान की आयत में शक शुबा नहीं, हमारे नबी के ख्वाब में भी कोई शक शुबा, तो जहां सारे सहाबा करीब आ गए, तो हो अल्लाह के रसूल अपना ख्वाब बताएंगे। हमारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि रात को मैं सोया, मैंने ख्वाब देखा, दाईं तरफ एक फरिश्ता, बाईं तरफ एक फरिश्ता, और दोनों फरिश्तों ने मुझे कहा चलो जन्नत में चलो, चलो जन्नत में चलो। हमारे नबी बताते मैं ख्वाब में इतना खुश हो गया कि मुझे दोनों फरिश्ते लेके जन्नत में जा रहे, और दोनों फरिश्ते रास्ते भर में मेरी
मेरी तारीफ कर रहे, मुझ पे दरूद पाक पढ़ रहे और मुझे लेके जा रहे, लेके जा रहे यहां तक कि मैंने जन्नत के गेट को देखा। वो जन्नत का गेट कैसा होगा वो हमारी तो अकल में भी नहीं आ सकता, लेकिन हमारे नबी फरमाते मैं रुक गया। क्यों? समी तो खश खशता अहादीस, हमारे नबी फरमाते मैं रुक गया और दोनों फरिश्तों को भी रोक दिया। अब मैंने कहा कि आप कहते हो मैं सबसे बड़ा नबी हूं, तो दोनों फरिश्तों ने कहा अल्लाह की कसम आप बहुत बड़े नबी है। तो कहा जन्नत में किसी के चलने की आवाज आ रही है, तो मेरे से पहले कौन जन्नत में चला गया? समी तो खश खशता अहादीस, मेरे पहले कौन जन्नत में चला गया? मैं बड़ा नबी हूं। तो दोनों फरिश्तों ने कहा आपके गुलाम बिलाल के चलने की आवाज आ रही है, आपके गुलाम बिलाल के चलने की। ये हमारे नबी ने ख्वाब बताया, वो हजरत बिलाल करीब में बैठे थे, ऐसे जैसे बेहोश आदमी कैसा गिरता वैसा गिरे, और गिरते गिरते कहा अल्लाह के रसूल ख्वाब आपका सच्चा है, लेकिन बिलाल आपसे पहले जन्नत में नहीं जा सकता, ख्वाब आपका बिल्कुल सच्चा है, ख्वाब में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपका ख्वाब कुरान की आयत है, लेकिन बिलाल आपसे पहले जन्नत में कैसे जाएगा? तो हमारे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया बिलाल इधर आओ, अभी तो ख्वाब सुना है, ख्वाब का मतलब कहां मैंने बयान किया? ख्वाब का मतलब ये है कि जब कयामत का दिन होगा और अल्लाह जन्नत का फैसला करेगा, मैं अपने ऊंट पर सवार रहूंगा और मेरी सारी उम्मत मेरे पीछे पीछे होगी, मैं आगे रहूंगा, लेकिन अल्लाह की कसम मेरे ऊंट की रस्सी बिलाल तेरे हाथों में होगी, मेरे ऊंट की रस्सी बिलाल तेरे हाथों में होगी। इसलिए सबसे पहला कदम अगर जन्नत में जाएगा तो बिलाल तुम्हारा कदम जन्नत में जाएगा। तो देखो अल्लाह ने कैसा इनाम दिया, जन्नत का ऐसा इनाम दिया कि जहन्नम तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जब पहला कदम दावत तबलीग वाले का कहां चले जाने वाला है जन्नत में, तो जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी। और आपको मालूम है अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, आप पर्दा फरमा गए, हजरत बिलाल बहुत रोए थे। हजरत बिलाल 3 दिन तक हजरत बिलाल खाना नहीं खाए, अरे खाना आता था नहीं खा सकते थे, पानी आता था नहीं पी सकते थे, 3 दिन तक बहुत परेशान रहे, बहुत परेशान रहे, और एक ही बात उनकी जबान पर थी, अब नबी नहीं तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। आपको मालूम होगा हजरत अबू बकर से इजाजत ली, बोलो हजरत अबू बकर से इजाजत ली, और उसके बाद में शाम चले गए, बोलो कहां चले गए। लेकिन नबी से मोहब्बत कैसी मोहब्बत थी, मुल्के शाम में सोए थे, भाई रात के वक्त आदमी सोता है, सोए थे, ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जुमले सुना, अल्लाह के रसूल ख्वाब में आए और कहा या बिलाल मा हाज़िल जफ़्वा अमा आना लगा अंतज़ुरना, हाँ यानी हमारे नबी ख्वाब में कह रहे हैं, मुल्के शाम में हज़रत बिलाल को कह रहे, बिलाल कितना जुल्म करोगे मुझ पर, हमारे नबी ख्वाब में कह रहे बिलाल कितना जुल्म करोगे, कभी मेरी याद नहीं आती, कभी मदीने आने का नहीं सोचते हो? मेरे दोस्तों हम होते तो सुबह तैयारी करते, हाँ हजरत बिलाल वही ख्वाब से आंख खोली, वजू किया और मदीने का सफर शुरू कर दिया, वही मदीने का सफर शुरू किया, बिल्कुल तहज्जुद का वक्त था और बिल्कुल मदीने में रोजे मुबारक का पड़ा है, और आकर जैसे जैसे कोई जुदाई वाला लपेट लेता, ऐसे हमारे नबी के रोजे मुबारक को ऐसे लपेट लिया, बहुत देर तक रोते रहे, कहा मैं कोई जुल्म नहीं करता मेरे नबी, मैं कोई जुल्म नहीं करता मेरे नबी, लेकिन मदीने में आपकी इतनी याद आती है कि न खाना समझ में आता न पीना समझ में आता। अभी तो हजरत बिलाल रो रहे थे, किसी ने यूं पीछे से कंधे पर हाथ रखा, ये हाथ रखा तो नबी के नवासे से हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े थे। हजरत हुसैन को देखकर हजरत बिलाल ने ऐसे ऐसे मुआनका किया, कहा मेरे नबी ने कहा था जो तुझसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा। तो हजरत हुसैन ने क्या फरमाया, अब आए हो तो अजान दे दो, फजर का वक्त हो गया, अजान दे दो। हजरत बिलाल ने कहा देखो कोई और कहता तो शायद मैं न देता, लेकिन नबी के नवासे की बात को भी तो ठुकरा नहीं सकता, आपने जो वो अजान दी है, सारा मदीने की वो औरतें जो पर्दे की पाबंद थी, हमारी औरतें सोच नहीं सकती वो पर्दा होता था, लेकिन सारी औरतें घर के बाहर आ गई और एक आवाज आ गई आई ना रसूलुल्लाह, ये मौजिन तो आ गए, अल्लाह के रसूल हमको नजर नहीं आते। तो मेरे दोस्तों वो हजरत बिलाल वापस शाम गए, बोलो वापस मुल्क के शाम गए। एक असर का वक्त आया और आपको बुखार, हजरत बिलाल को बहुत बुखार, पूरा बदन तप तप कांप रहा था, उनकी बीवी करीब में बैठी, फिर लोग आने लगे भाई बिलाल बीमार है। सबने कहा कि अब ज्यादा वक्त नहीं रहेंगे, अब वक्त इनका खत्म हो रहा है। तो वो बीवी थी ना बीवी, उसने जोर से जुमला कहा वाह करबा वाह वैला,
यानी मैं बर्बाद हो गई, मैं हलाक हो गई, मैं बेवा हो जाऊंगी, मेरा शोहर मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मेरा शोहर बिलाल जैसा शोहर अब मुझे नहीं मिलेगा। वो बीवी ने जैसे रोना शुरू किया ना, हजरत बिलाल ने थोड़ी सी आंखें खोली, बीवी की तरफ देखा, क्या? तो बीवी कह रही है, सब कह रहे कि आपका वक्त आ गया। हजरत बिलाल ने फरमाया, हाँ मेरा वक्त आ गया, लेकिन तू रोती क्यों है? आज तेरा और मेरा सबसे खुशी का दिन है, आज तेरा और मेरा सबसे खुशी का दिन है। तो बीवी कहती है, कैसे खुशी का दिन? मैं बेवा बन जाऊंगी, मैं घर में अकेली हो जाऊंगी, आज तक हम मियां बीवी साथ में थे, तुम चले जा रहे हो, अब मेरा मैं सुखी हो जाऊंगी। हजरत बिलाल ने फरमाया, रात की बात बताता हूँ, कल रात को ख्वाब में अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, और अल्लाह के रसूल कभी इधर जा रहे कुछ ढूंढ रहे, फिर वहां से हटके उधर जा रहे कुछ ढूंढ रहे, फिर इधर जा रहे कुछ ढूंढ। तो मैंने पूछा, यानी ख्वाब में हजरत बिलाल कहते, मैंने पूछा अल्लाह के रसूल, अय्या शयइन ततफक्कद, अल्लाह के रसूल आप क्या ढूंढ रहे, कभी इधर कर? तो अल्लाह के रसूल ने कहा, ओ बिलाल तुझे ढूंढ रहा हूं, ए बिलाल तुझे ही ढूंढ रहा हूं, तुझे ढूंढ रहा हूं, कल रोजा रख लेना, कल रोजा रख लेना, शहरी बीवी के दस्तरखान पर करना, इफ्तार मोहम्मद के दस्तरखान पर होगा। वो हजरत बिलाल ने कहा, बस इफ्तार का वक्त आ रहा है, शहरी मैंने तुम्हारे साथ किए, इफ्तार का वक्त आ रहा, अभी बस मगरिब को कुछ देर बाकी, इफ्तार को कुछ देर बाकी। हजरत बिलाल यूं इशारा करते, देखो देखो यूं 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 इशारा करते, यानी अपनी बीवी को जो है उनको कहते कि आसमान की तरफ देखो। वो बीवी कहती है, अल्लाह की कसम मैंने आसमान की तरफ देखा, दस्तरखान बिछा है और मोहम्मद और सहाबा आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्यारे, बस मगरिब की अजान, दिमश की जामा मस्जिद में जो अजान हुई और इनकी जुबान से निकला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह मौत के वक्त कलमा भी दे दिए, जन्नत में दस्तरखान भी तैयार हो गया और जन्नत में दाखिला भी सबसे पहला हो गया, हिदायत भी मिल गई। हम वो मकाम तक तो नहीं पहुंच सकते जो बिलाल पहुंचे, लेकिन कहते हैं ना कि नकल करो तो भी अल्लाह असल का सवाब दे देता। हम तो सब नकली लोग हैं, नकली लोग हैं। अभी हमको अगर कोई एक आध गाली दे देवे ना तो हिम्मत हार जाते, अभी सूरत से फोन आ जावे ना तो थोड़ा आगे पीछे हो जाते। हम नकली लोग हैं, वो असली लोग थे जो अल्लाह के रास्ते में निकलते थे, तन मन धन की कुर्बानी लेकर निकलते थे और इस यकीन के साथ निकलते थे, मैं भी बनूंगा औरों को भी बनाऊंगा, अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का उनका एक दिली जज्बा होता था। हमारा मामला, मैं ये आखिरी बात में यही कहना चाहता हूं कि यहां से चार महीने के बाद आप जाओ तो ऐसे नहीं कि अब तो जमात में थोड़ी भाई, जमात में था तो फजर की नमाज मैंने पढ़ा ना जमात के साथ, मैं जमात में था तो मैं तालीम कर रहा था ना, मैं जमात में था तो मेरी तस्बीहात पूरी करता था, मैं जमात में था तो मैं घश करता था। तो क्या किसी कुरान में ऐसा लिखा है कि जमात के साथ रहो तो ये काम करने का, जमात के बाहर निकलो तो ये काम नहीं करने का, लिखा है ऐसा? तो मेरे प्यारों, इस काम को अपनी जिंदगी में ऐसे उतारो कि जब तक जीता रहूंगा यही काम करता रहूंगा, और यही काम करते करते जो बिलाल को मिला अल्लाह हमको भी हिदायत देंगे, बोलो इंशाल्लाह। अल्लाह हमको भी मौत के वक्त कलमा देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह जहन्नम के धुएं को भी हम पर हराम करेंगे इंशाल्लाह। बोलो करेंगे, सब करेंगे इंशाल्लाह। मैंने बोलो सब करेंगे इंशाल्लाह। तो पहली बात तो बिल्कुल खुश रहो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस जगह पर आए हैं यह हमारे हिदायत का सामान है, यह हमारे कलमे का सामान, यह हमारे जहन्नम के हराम होने का सामान है। और यही नहीं, जब जब मौका मिलेगा हम अल्लाह के रास्ते में अपना वक्त लगाते रहेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात, जो बात खत्म ही करना मेरे को, दूसरी बात में सब वजू वजू करके तारी तैयार है बारे ना, दूसरी बात जो मुझे करना कि मेरे प्यारो, एक काम है कि अल्लाह से मांगो इस वक्त सबसे, और जमात में जो आए ना बिल्कुल फारिग है, बिल्कुल फारिग, लेकिन शैतान इतना भड़काता है, इतना भड़काता है, हाँ जब देखेगा कि अब बयान का वक्त शुरू होने वाला तो उसको पेशाब याद आएगा, जब देखेगा कि अभी सब लोग जिक्र में लगने वाले तो उसको प्यास लगेगी। ये शैतान का धोखा है, ये नफ्स का धोखा है, इसलिए इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ कि किससे मांगेंगे, अल्लाह, अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह से मांग। देखो मांगना दो तरह का होता है, एक ही के मांगा, मांग लिया और बोल दिया मैंने तहज्जुद में दो रकात पढ़ी के चार रकात पढ़ी और मैंने मांगा, और मांगना नहीं, मांगना नहीं। आपको मालूम है मैंने अभी कुछ दिन पहले एक बात सुनाया था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने बोलो कौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, वो रास्ते में जा रहे जा रहे, अब उन्होंने जंगल के किनारे पर देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक बहुत पक्का दोस्त, ये तो नबी थे उनका कोई दोस्त,
वो रो रो के मांग रहा है, रो रो के मांग रहा है, उसके पूरे आंसू ऐसे जमीन पे टप टप टपक रहे, इतना रो रो के मांग रहा और अल्लाह से मांग रहा वो। हजरत मूसा पीछे से गए, हजरत मूसा कहते हैं अल्लाह की कसम उसका रोना देखकर मुझे रोना आ गया। और क्या कहा मालूम, हजरत मूसा की जुबान से निकला, अल्लाह तेरी जगह मैं होता तो इसकी जरूरत को पूरा कर देता, अल्लाह ये इतना रोता, मेरा दोस्त इतना रोता, इसके रोने ने मुझको रुला दिया, अल्लाह अगर मैं तेरी जगह पर होता तो इसकी जरूरत को पूरा कर, बस इतना जुमला कहा, अल्लाह की आवाज आई, ए मूसा आओ पहाड़ पे आ जाओ, आ जाओ पहाड़ पे आ जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वो पहाड़ पर गए तो अल्लाह ने फरमाया क्या कहा तुमने, अल्लाह मेरा दोस्त है उसके रोने ने मुझको रुला दिया, अगर मैं तेरी जगह पर होता अल्लाह उसकी जरूरत को पूरा कर देता। अल्लाह ने फरमाया मोहब्बत करते हो, मोहब्बत करते हो, अल्लाह मेरा दोस्त है मोहब्बत करता। अल्लाह ने फरमाया मेरी इज्जत की कसम क्या मोहब्बत करते हो, तुम जितनी मोहब्बत करते हो उससे 99 दर्जे ज्यादा मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। तो हजरत मूसा ने फरमाया आप इतनी मोहब्बत करते तो कितना रोता, उसकी जरूरत तो पूरी कर दो। अल्लाह ने फरमाया मांग रहा है, रो भी रहा है, मगर इसका बकरे बकरों का कारोबार है, इसके दिल में वो दुनिया की मोहब्बत बैठी हुई है, आंखों में आंसू है, रो रहा है, लेकिन दिल इसका अटका हुआ है अपने कारोबार में, अपने पैसे में अटका हुआ है। हाँ वो एक बार दिल को वहां से हटाए, पैसा तो मैं बहुत दूंगा, बरकत भी बहुत दूंगा, बेहिसाब रोजी दूंगा, लेकिन दिल हटाए, यानी दिल में दुनिया ना लाए, दिल में लाए तो सिर्फ मेरी मोहब्बत को लेकर आए, तो मैं अभी इसकी जरूरत को पूरा कर दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह में जाकर कह दो, कहा जाकर कह दो। हजरत मूसा गए, दौड़ते दौड़ते वो आदमी ऐसा ही रो रहा था, हजरत मूसा ने उसके दोनों हाथ पकड़ ले, भाई अब ये रोना बंद कर दे, पहले जो तेरे दिल में कारोबार की मोहब्बत है ना, अल्लाह बहुत बरकत देगा, अल्लाह बहुत पैसा देगा, मगर दिल से उसकी मोहब्बत निकाल दे, दिल वो जगह है जिसमें सिर्फ अल्लाह को रखना है। देखो पूरे कुरान में अल्लाह ने कहा माल की कुर्बानी दो, जान की कुर्बानी दो, कभी कुरान में अल्लाह ने कहा दिल की कुर्बानी दो? वो अलग बात है कि हमारा दिल कहीं भी फेंक देते, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि दिल की कुर्बानी दो, क्यों? अल्लाह ने फरमाया दिल सिर्फ मेरी जगह है, तो दिल सिर्फ मेरी जगह। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समझाया, उसने फौरन तौबा की कि हाँ मैं वो दुनिया की मोहब्बत, फिर जैसे हाथ उठाए कहा अल्लाह मेरी जरूरत पूरा कर दे, गैब से आवाज आई जा मेरा बंदा तेरी जरूरत को पूरा कर देगा। तो हम लोग भी एक काम करेंगे भाई, करेंगे बोलो सब करेंगे इंशाअल्लाह, कि अल्लाह से मांगने का, देखो सबको कारोबार की जरूरत है, सबको दुनिया की जरूरत है, सबको कमाना धमाने की जरूरत है, और कमाना धमाना ये भी शरीयत है, और हलाल कमाना ये शरीयत है, और हराम कमाना ये जहन्नम का जरिया है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हराम 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 हराम, आदत हो गई, आदत हो गई उसको, जब तक बैंक से लोन नहीं लेवे ना उसका खाना हजम नहीं होता, इतना हराम खाता, इतना हराम खाता, इतना हराम खाता, फिर उसका दिमाग ऐसा अल्लाह बना देता कि वो समझता है कि सब सही, वो हराम को हराम ही नहीं समझता। जितना आदमी हलाल से भागेगा उतना हराम में जाएगा, जितना मुजाहदा करके एक बार हलाल में आ जाएगा अल्लाह उसकी पूरी जिंदगी को नेमत ही नेमत बना देगा। इसलिए देखो कारोबार भी जरूरी है, दुआ करने का कि अल्लाह हमारे कारोबार में भी बरकत देवे, और कारोबार जैसा करना वैसा करना भी है, लेकिन दिल उसके साथ नहीं, दिल किसके साथ लगा हुआ होगा, यानी पूरा मजमा बोले साथ में, दिल किसके साथ लगा हुआ होगा? अल्लाह के साथ लगा होगा। भाई सब करेंगे, अमल करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और देखो एक बात और भी बताऊं, नमाज की पाबंदी तो आप लोग करते हो हाँ, लेकिन मैं बहुत मर्तबा देखता हूं नमाज हम लोग इमाम के साथ पढ़ते हैं ना, तो माशाल्लाह वो तो इमाम साहब नमाज पढ़ाएंगे तो सुकून इत्मीनान के साथ, और अपनी नमाज कैसे पढ़ते हो? ऐसी फटाफट रोलिंग करता है। अब जब अल्लाह के रास्ते में आए अब काम क्या है? हम उमरे में थे, हमारे एक साथी को मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा तूने जल्दी जल्दी दो रकात पढ़ा, अब इंडिया जाना है, उमरे में आए, हमको 7 दिन मदीना में रहना है, 7 दिन मक्का में रहना है, और आए क्यों है? इबादत के लिए, फिर जल्दी नमाज। चलो ठीक है, हम सूरत में जल्दी नमाज पढ़ा कि मेरे को दुकान खोलना था, यहां क्या करना है? इत्मीनान से नमाज। आपको मालूम है एक साहबी आए, वो साहबी नए नए मुसलमान थे, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, सहाबा किराम का मजमा बैठा, वो साहबी आए अल्लाह अकबर, वो सोचा नमाज पढ़ लो फिर मजलिस में आ जाऊंगा, कोने में गए अल्लाह अकबर, अब फिर अल्लाह अकबर, समी अल्लाह ने मना मिला अल्लाह अकबर, दो रकात नमाज पढ़ी। उनको ऐसा कि मैं हमारे नबी की मजलिस में आऊं, जैसे वो आए ना आए तो अस्सलामु अलैकुम, सलाम अलैकुम किया, हमारे नबी ने फरमाया इधर आओ, आए तो हमारे नबी ने फरमाया फसल्ली,
फैन कलम तो सल जाओ दो रकात पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। तो उनको ऐसा लगा कि शायद नबी ने देखे ही नहीं कि मैं पढ़ा, हालांकि मैं तो पढ़ के आया। फिर वो गए, लेकिन वो आदत थी, जल्दी जल्दी दो रकात पढ़ी। फिर आए, जैसे आकर सलाम किया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया, फरमाया फसल ली फैन कलम तो सल ली, जाओ पढ़ो नमाज पढ़ो। नहीं पढ़ी तो कहा अल्लाह के रसूल पढ़ी, कहा नहीं पढ़ी, जाओ वापस पढ़ो। उन्होंने वापस पढ़ी, वही इसी तरीके से जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी, आए वापस सलाम किया। हाँ कितनी रकात हो गई उनकी? 6 रकात हो गई, 3 मरतबा गए। आकर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हमारे नबी ने फरमाया वालेकुम अस्सलाम, फसल्ली फैन कलम तो सल्ली, पढ़ो नमाज, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। बेचारे गए फिर 2 रकात पढ़े, अब कितनी रकात हो गई? 8। फिर आए हमारे नबी ने वही बात, फसल्ली फैन कलम तो सल्ली, पढ़ो नमाज, नमाज नहीं पढ़ी, कितनी रकातें हो गई? तो साहबी रोने लगे, अल्लाह के रसूल कई फौसल, आपकी बात बराबर है, मैंने नहीं पढ़ी। मैं चाहे कितनी मर्तबा भी पढ़ू, लेकिन आप गए नहीं पढ़ी तो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन अब कैसे पढ़ूं? मेरे दोस्तों हमारे नबी चाहते तो कहते अबू बकर सिखाओ नमाज का तरीका, उमर सिखाओ नमाज का तरीका। हमारे नबी खुद खड़े हो गए, फरमाया देखो जैसे मैं पढ़ता हूं वैसे पढ़ो। हमारे नबी ने इत्मीनान से रुकू सजदा कादा और आखिर में फरमाया सबको कह दो सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, ये पूरे मजमे को कयामत तक आने वाले को कह देना ऐसे नमाज पढ़ना जैसे मैं नमाज पढ़ता हूं। भाई करेंगे, सब करेंगे इंशाल्लाह, नमाज में दिल लगा के नमाज पढ़ेंगे। आपने फजाइल अमल में पढ़ा होगा, हमारे नबी तहज्जुद कैसे पढ़ते थे? ओ हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि एक मर्तबा मेरे नबी तहज्जुद पढ़ रहे थे, मैंने सोचा मैं भी पीछे पढ़ूंगा, अल्लाह अकबर करके नियत बांध ली। किसने? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मेरे नबी ने सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा शुरू की। ऐसा कि सूर्य बकरा खत्म होगी और रुकू हो जाएगा, कहते सूर्य बकरा हो गए तो सूर्य आले इमरान शुरू कर दी। हजरत अबू हुरैरा कहते कि सूर्य आले इमरान पे तो रुकू हो जाएगा, तो कहा सूर्य आले इमरान खत्म हुई, सूर्य निसा नहीं और सूर्य माईदा पढ़ना शुरू कर दिया। कहते सूर्य माईदा पे जाके यानी तकरीबन 5 पारे पे जाके आपने अल्लाह अकबर रुकू किया। हजरत अबू हुरैरा कहते कि अब दूसरी रकात में जब मेरे नबी खड़े हुए मुझे ऐसा लगा कुल अल्लाह वहद पर मामला खत्म हो जाएगा, तो कहते सूर्य अनाम शुरू कर दी। हजरत अबू हुरैरा कहते एक तो मैं भूखा था प्यासा था और बहुत ही थका हुआ था, नमाज छोड़कर मैं वहां से चला गया। ये कौन पढ़ रहे हैं नमाज जो अर्श पे जाके अल्लाह से मुलाकात करके आए हैं? पर हमारा क्या, बहुत गुनहगार है हम लोग, बहुत पापी है, बहुत बड़े मुजरिम है। वो अलग बात है कि महबूब भाई अपना ही मेरा ये कुर्ता पैजामा लोगों को धोखा दे देता है, ये इमामा धोखा दे देता है, बाकी बहुत गुनहगार है हम लोग। अब हम लोग जा रहे हैं, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, आप हमारे लिए दुआ करोगे इंशाल्लाह। और जो जो बातें बताई गई है बिल्कुल अपने अमीर की फरमा बर्दारी करके ये 4 महीना, मालूम है आपको ये 3 दिन क्यों लगाते? आखिरी बात है 3 दिन क्यों लगाते? एक जमाने में 10 दिन लगते थे, फिर 40 दिन भी लगते चिल्ला, 4 महीना क्यों लगता? कितने लोगों को ऑब्जेक्शन है, ये काय को जमात वाले 3 दिन का है, 4 दिन क्यों नहीं, 3 ही क्यों, तो फिर 10 ही क्यों, चिल्ला ही क्यों, 4 महीना क्यों? अल्लाह की कसम ये सब कुरान में लिखा हुआ है, ये सब कुरान में लिखा। हजरत जकरिया अलैहि सलातु वस्सलाम ने जब कहा था अल्लाह मेरी उम्र बहुत हो गई है, अब मेरे औलाद होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, है ना कुरान में है ना, इज़नादा रब्बहु निदाअन खफिया क़ाल रब्बिन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्ताला रासु शैबा वलम अकुन बिदुआइका रब्बी शकिया। हजरत जकरिया अलैहि सलातु वस्सलाम ने कहा था अल्लाह मैं बूढ़ा हो गया, मेरी बीवी भी बूढ़ी हो गई, अब बच्चा होने का कोई सवाल नहीं, लेकिन अल्लाह तू बच्चा दे देना। तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने सोचा अल्लाह देंगे तो सही बच्चा, लेकिन अब होगा क्या, क्या मैं वापस जवान हो जाऊंगा, मेरी बीवी जवान होगी? अल्लाह ने क्या फरमाया, सब वही हाल पे रहेगा और बच्चा आएगा। तो हजरत ज़करिया ने फरमाया अल्लाह मैं क्या करूं, ये शुक्रिया अदा करने के लिए क्या करो? अल्लाह ने फरमाया आयतु का अल्लाह तुकल्लिमन्नासतअय्यामिन इल्ला रमजा। अल्लाह ने फरमाया 3 दिन में वो कुदरत है वो ताकत है कि तुम मेरा शुक्रिया अदा करते रहोगे, मैं ऐसा राजी होऊंगा, बच्चा भी दूंगा और उसे नबी भी बना दूंगा। और अल्लाह ने बच्चा दिया, कौन बच्चा दिया? या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलाम इस्मुहु यहया। अल्लाह ने कहा बच्चा भी दिया, नाम भी यहया दिया, और यहया नाम इससे पहले किसी को नहीं दिया, और नबी भी बना दिया। तो 3 दिन तो ये शुक्राने के,
भाई 3 दिन तो किसके कि अल्लाह ने हमको ईमान दिया उसके शुक्राने के है ताकि अल्लाह हमारे ईमान में इस्तिकामत अता फरमा दे। वे और 10 दिन का मामला आया वो भी कुरान में लिखा, एक 10 का अदद ऐसा 10 का अदद है। आपने बहुत जगह दुकानों में नाम देखा टॉप 10, हाँ वो उनको शायद मालूम होगा लेकिन हम कलमा वालों को नहीं मालूम है कि 10 में क्या चीज है। 10 में है कुरान करीम में तिलका शरतुन का मिला, अल्लाह फरमाते मैंने 10 का अदद ऐसा बनाया कोई इस पर आ जाएगा अल्लाह उसे कामिल और मुकम्मल बना देगा। तो 10 में आदमी कामिल और मुकम्मल बन जाता। और चिल्ला भाई चिल्ला क्यों, तो आपको मालूम होगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पहाड़ पे बुलाए बुलाए थे ना, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह बुलाए अल्लाह बुलाए अल्लाह बुलाए अल्लाह बुलाए दौड़े 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 गए, जो सफर की मुद्दत थी उसको इतना फास्ट किया 30 दिन में पहुंच गए। अल्लाह ने जहां बुलाया वहां कितने दिन में पहुंच गए, 30 दिन में पहुंच गए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ना जो मैंने मुद्दत रखी है उसमें जो कमाल होगा वो कमाल अभी पैदा नहीं हुआ और 10 दिन इंतजार करना पड़ेगा। कितने दिन मुकम्मल हो गए, 40 दिन मुकम्मल हो गए। अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर मूसा तैयार हो गए, बस अब मैं तुम्हें अपना नबी बनाने वाला हूं। तो 40 दिन में अल्लाह एक इल्म देता है, एक नॉलेज देता है, एक मर्तबा देता। वअदना मूसा 30 लैला वअतममना बिअशर फतममीकात रब्बिहि 40 लैला। तो 40 दिन भी कुरान से और 4 महीना जिसमें हमारे महबूब भाई वो 4 महीने के बारे में आप कुरान देखो कि आपको मालूम है हमारे आका सासम ने मक्के को फतह किया है ना, इन्ना फतहना लका फतह मुबीना। और मालूम है कुछ साहबा तो बड़े गुस्से में थे, बड़े गुस्से में थे और कहा कि ये ऐसे ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने मेरे नबी के चेहरे पे थूका भी है, जिन्होंने कांटे भी बिछाए थे, जिन्होंने हमारे नबी का माल भी हड़प किया था, जिन्होंने हमारे नबी को गाली भी दी थी। एक साहबी बड़े गुस्से में आए और ऐलान कर दिया अल यौम यौमुल मलहमा, आज जंग होगी, आज लड़ाई होगी, आज तूफान होगा। हमारे नबी गए और कहा यौम यौमुल मरहमा, आज सिर्फ माफी होगी बाकी कुछ नहीं होगा, आज माफी माफी होगी। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आए और आकर कहा कि अल्लाह के रसूल ये बहुत सारे ऐसे जिन्होंने ईमान कबूल नहीं किया है। कहा मेरे अल्लाह ने मुझे कहा है 4 महीने की मोहलत दे दो इंशाल्लाह सब ईमान में दाखिल हो जाएंगे। 4 महीने की मोहलत ऐसी है जिसमें आदमी पैदाइश से लेकर मौत तक ईमान का फैसला लिखा के चला जाता है और उस पर कुरान करीम की आयत नाजिल हुई फसीउ फिल अर्द अरबाता अशहर 4 महीने वालमू अन्नकुम गैरु मुजिज़िल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मुझे किसी के ईमान की जरूरत नहीं है मगर 4 महीना मैंने अपने दस्तूर में ऐसा रखा है कि उसमें जिंदगी की जिंदगियां बदल जाती है। तो ये जो 4 महीने महबूब भाई आपके साथ में है ना, इंशाल्लाह सूरत आओगे तो सबकी जिंदगियां बदल गई होगी माशाल्लाह, सब अल्लाह के वली बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये 3 दिन चिल्ला 10 दिन 4 महीना सब कुरान पाक से साबित है। अल्लाह हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे उस्मान भाई कुरान खत्म हो गया आपका, सो गए, चलो भाई दुआ कर ले, भाई दुआ कर ले, 2 मिनट अल्लाह का जिक्र कर ले, गर्दन झुका दे, सिर्फ 2 मिनट के लिए थोड़ी गर्दन झुका दे और थोड़ी देर के लिए ये सोचे कि मेरे दाएं बाएं कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं और मेरा अल्लाह। शुरू करे अल्लाह 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad.
وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا. يا الله الله हमको माफ कर देना अल्लाह अल्लाह माफ कर देना बहुत गुनहगार है ना। एक तो अल्लाह आखिरी दर्जे के नालायक है और फिर अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं। अल्लाह हम खुद अपने आप को धोखा देते हैं, शैतान हमको धोखा देता है, हमारा नफ्स हमको धोखा देता है। अल्लाह तेरी कसम तेरे घर में बैठे हम हार गए अल्लाह, हम हार गए अल्लाह, हम हार गए अल्लाह, और अल्लाह तू भी रूठ गया अल्लाह। ये रूठे हुए रब राजी हो जा अल्लाह, अगर तू रूठा नहीं होता तो ये कोरोना नहीं आता अल्लाह, इतने सारे लोग दुनिया से नहीं चले जाते अल्लाह। हमने ना कदरी की, कितने बड़े बड़े उलमा को तूने अपने पास बुला लिया, कितने बड़े बड़े मुबल्लिगीन को तूने अपने पास बुला लिया। ए अल्लाह तू रूठ गया है ना अल्लाह, अल्लाह तू रूठ गए अल्लाह, अल्लाह राजी हो जाना अल्लाह। अल्लाह मुझे मालूम है मेरा हाथ बहुत गुनहगार है अल्लाह, मेरा हाथ बहुत गुनहगार है अल्लाह, लेकिन अल्लाह ये मजमा बहुत प्यारा है अल्लाह, ये सब तेरे रास्ते में निकले हुए अल्लाह, तेरे नबी की मोहब्बत में निकले हुए अल्लाह। अल्लाह इनको कोई कारोबार नहीं करना यहाँ पे अल्लाह, इनको कोई दूसरा काम नहीं करना अल्लाह। अल्लाह अल्लाह भले हम लाख गंदे सही अल्लाह, मगर ये सब तेरे बंदे अल्लाह, हम सब तेरे बंदे अल्लाह, और तेरे वास्ते निकले अल्लाह, तेरे नबी की मोहब्बत में निकले अल्लाह। अल्लाह हमको इखलास अता फरमा दे अल्लाह। जवान जवान अल्लाह, जवान जवान यहाँ पर है अल्लाह। अल्लाह जवान के बारे में जब हजरत अनस ने पूछा था कि अल्लाह के रसूल आप हबीबुल्लाह बन गए, आप हबीबुल्लाह बन गए, मुझे भी हबीबुल्लाह बनना, हमारे नबी ने फरमाया था जवान तौबा करता है वो हबीबुल्लाह बन जाता है। अल्लाह इन सबको हबीबुल्लाह बना दे, हम सबको तेरा महबूब बना दे अल्लाह, हमारे ये निकलने को कबूल फरमा ले, और अल्लाह हम जहाँ जाए उनका दिल नरम हो जाए अल्लाह। हमारे अंदर ताकत नहीं अल्लाह, हम वो मेहनत नहीं कर सकते जो साहबा ने की अल्लाह, जो हमारे अकाबिरीन ने की वो नहीं कर सकते अल्लाह। इला आलमीन बगैर मुजाहदे के हमसे काम ले ले अल्लाह, और जिसके पास जाए अल्लाह वो राजी हो जाए अल्लाह। अल्लाह अल्लाह हमारे जरिए से पूरे आलम में दीन फैल जाए अल्लाह, अल्लाह हर जगह दीन की मेहनतें हो जाए अल्लाह। 100% अल्लाह हमारे मकसद में कामयाबी अता फरमा दे, 100% हमें देर और दूर के लिए कबूल फरमा ले, और अल्लाह हमारे इस आने को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारी बीवी का भी हम पर एहसान है जिसने हमको इजाजत दे दी, हमारे बच्चों का एहसान है उन्होंने इजाजत दे दी, हम अपने कारोबार से आ गए, हमारे माँ बाप ने इजाजत दे दी, अल्लाह उनको बेहतरीन बदला अता फरमा दे, अल्लाह उनके लिए अजर अजीम अता फरमा दे। आलमीन जो हमने सुना अमल की तौफीक अता फरमा दे अल्लाह। वो हज़रत बिलाल को कैसे मारा जाता होगा, कैसे मारा जाता अल्लाह, जब उठा उठा के जमीन पे पटका जाता होगा, सीने पे चक्की का पाट रखा जाता होगा अल्लाह, फीट पे कोड़े मारे जाते होंगे। इलाहा आलमीन हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अल्लाह, कुछ भी नहीं हुआ अल्लाह, और हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते अल्लाह, लेकिन अल्लाह तूने बिलाल हबशी के लिए जो इनामत दिए अपने फजल करम से, हमें भी वो इनाम अता फरमा दे अल्लाह, हमें भी वो इनाम अता फरमा दे अल्लाह। और इस मुबारक काम में जो कोताहियां हो रही है, जो गलतियां हो रही है अल्लाह, उसे माफ कर दे अल्लाह। अल्लाह हम सबको ये काम करने वाले में आपस में मोहब्बत दे दे अल्लाह। अल्लाह इसको जमातों में तकसीम मत कर अल्लाह, ये हमारे गुनाहों की नहुसत है अल्लाह, ये हमारे गुनाहों की नहुसत है अल्लाह। हम सबको एक बना दे अल्लाह, हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे जमा कर दे अल्लाह, हम सब में मोहब्बत डाल दे अल्लाह, हम सबको इस्तेकामत अता फरमा दे अल्लाह, तेरे वास्ते करने वाला बना दे, तेरे नबी की मोहब्बत में करने वाला बना दे। इलाहा आलमीन जो परेशान है सबकी परेशानी को दूर फरमा दे, बहुत लोग परेशान है अल्लाह, कितने लोग ऐसे परेशान है बेचारे कुछ बोलते भी नहीं अल्लाह, अल्लाह अंदर ही अंदर सिसकते रहते अल्लाह, रात को करवटें लेते रहती अल्लाह, तहज्जुद में तेरे सामने रोया करते अल्लाह। अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे अल्लाह, सबकी जिंदगी में चैन सुकून आफियत मोहब्बत मवद्दत इत्मीनान अता फरमा दे अल्लाह, मारिफत अता फरमा दे अल्लाह, शेख कामिल की उम्र में बरकत अता फरमा दे, उनको तंदुरुस्ती अता फरमा दे। जिन लोगों ने हमें दुआ के लिए कहा लिखा, जिनका हम पर हक
मोहसिनीन पूरी उम्मत के जायज मकासिद को पूरा फरमा दे। अल्लाह पूरा पूरा वक्त लगाने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह जो कहा जाए उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। जिसे रोका जाए उससे रुकने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह दिल हमारा तेरे घर में लगा दे। अल्लाह दिल हमारा तेरे घर में लगा दे। अल्लाह तेरे प्यारे नबी ने फरमाया कयामत में जब धूप होगी कोई साया नहीं होगा, लेकिन उस आदमी को साया मिलेगा जिसका दिल मस्जिदों से लगा हुआ होगा। अल्लाह वो साया हमको भी नसीब फरमा दे, हमारा मस्जिद में आने को कबूल फरमा ले। अल्लाह मुकीम हजरात जो हमें दावतें दे रहे मेहनतें कर रहे अल्लाह उनको भी कबूल फरमा ले, आने वालों को भी कबूल फरमा ले, जाने वालों को भी कबूल फरमा ले। फिलहाल आलमीन इलाल आलमीन हम सबके अम्मा अब्बा की उम्र में बरकत दे दे, तंदुरुस्ती दे दे। अल्लाह ये सब बच्चे माँ बाप को छोड़ के आए, अल्लाह माँ बाप को छोड़ के अल्लाह एक तो पोता ऐसा आया, आया तो दादा को देखते हुए आया, अब जाएगा तो उसे दादा नहीं दिखेगी। अल्लाह अल्लाह ये कुर्बानी के सदके सबकी मगफिरत फरमा दे, सबकी मगफिरत फरमा दे। अल्लाह इलाल आलमीन इलाल आलमीन जिनके अम्मा अब्बा दुनिया छोड़ के ही चले गए, अल्लाह मेरी अम्मी चली गई और भी कितने बैठे जिनके अम्मा अब्बा चले गए, अल्लाह याद आती अल्लाह बहुत याद आती अल्लाह। अल्लाह जिनके अम्मा अब्बा चले गए उनकी कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह रहमतों से भर दे। अल्लाह उनको कब्र में बता दे कि तेरा बेटा तुझे याद करके रोता है, अल्लाह उनकी तवज्जुहात वहां से अता फरमा दे। और अल्लाह 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 हम सबकी दुआ को कबूल फरमा ले। अल्लाह अल्लाह यहाँ से जा रहे अल्लाह 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 सब अल्लाह तेरे हवाले होके जा रहे, रहने वाला भी तेरे हवाले, जाने वाले भी तेरे हवाले। अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा दे। अल्लाह मौत कब आएगी, आइंदा मुलाकातें होगी नहीं होगी कुछ नहीं मालूम अल्लाह, अल्लाह हमको कुछ नहीं मालूम अल्लाह। इलाल आलमीन मौत के वक्त आसानी का मामला कर देना अल्लाह, मौत के वक्त सकरात का वक्त बहुत भारी अल्लाह, बहुत भारी अल्लाह, रूह निकलने का वक्त बहुत भारी अल्लाह, उस वक्त तो साथ देके कलमाता कर देना अल्लाह। हमने हदीस पाक में सुना जब सकरात का वक्त आता है एक तरफ शैतान आता है कलमा छीन लूंगा कलमा छीन लूंगा, अल्लाह हमारा कलमा बहुत कमजोर है अल्लाह, अल्लाह तू हमें कलमा अता कर देना अल्लाह। अल्लाह लोग हमें गुसल दे उससे पहले, अल्लाह तू रहमत का पानी हमें अता फरमा देना। लोग हमें कफन पहनाए उससे पहले तकवे का लिबास ओढ़ा देना। अल्लाह लोग हमारे जनाजे की नमाज पढ़े उससे पहले हमको सच्चा पक्का नमाजी बना देना। ए अल्लाह हमें कब्र में ले जाए कब्र के आजाब से बचा लेना। अल्लाह बोलना बहुत आसान है, हड्डियां तोड़ी जाएगी पसली से पसली मिलाई जाएगी, कब्र को तंग कर दिया जाएगा, आग जलाई जाएगी, सांप और बिच्छू छोड़े जाएंगे। ए अल्लाह आंखों को खींच लिया जाएगा, जबड़ों को फाड़ दिया जाएगा। अल्लाह बचा ले अल्लाह 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 कब्र के अजाब से बचा ले अल्लाह। एक पेट में मामूली पथरी का दर्द होता तो बर्दाश्त नहीं होता अल्लाह, जबड़े फाड़े जाए जहन्नम का लोहा लाया जाए। ए अल्लाह हमें माफ कर दे अल्लाह, हम सबको माफ फरमा दे अल्लाह, अल्लाह तेरे वास्ते हम सबको माफ फरमा दे अल्लाह। अल्लाह मजमा बहुत मुबारक है अल्लाह, हमारे उस्मान भाई का भी कुरान खत्म हुआ है अल्लाह, खत्म कुरान के बाद जो दुआ मांगी जाती है तू कभी नहीं देखता कि मांगने वाला कौन है, तू तेरे कलाम को देखकर सबकी मगफिरत कर देता है अल्लाह। तेरा कलाम कलामों का कलाम है अल्लाह, बादशाहों के बादशाह का कलाम है अल्लाह, इस कलाम में कोई शक और शुबा नहीं अल्लाह। ए कुरान पाक का तुझे वास्ता, तुझे तेरे पाक नामों का वास्ता अल्लाह, तेरे पाक नाम है ऐसे प्यारे प्यारे पाक 99 नाम है अल्लाह, उसका वास्ता कुरान पाक में जो तेरे नाम है उसका वास्ता अल्लाह। वो तेरे नाम जिससे आसमान ठहर गया, वो तेरे नाम जिससे जमीन रुक गई, वो तेरे नाम जिसकी बरकत से पहाड़ जम गए, वो तेरे नाम जिसे दिन में उजाला हो गया, वो तेरे नाम जिसे अर्श मुस्तकर हो गया, वो तेरे प्यारे नाम जिसे रात में अंधेरा हो गया, उसी नामों का वास्ता लेकर दुआ मांगते अल्लाह। कुरान पाक को हमारे दिल की बहार बना दे अल्लाह, कुरान को हमारे दिल की बहार बना दे अल्लाह, ये काम को हमारे लिए जिला अता फरमा दे, ये दावत और तबलीग के साथ हमें कयामत तक जोड़ के रख दे। इलाल आलमीन हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे, जो मांगा वो भी दे दे, जो रह गया वो भी दे दे, जो मांगना था ना मांगा वो भी दे दे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी आता फरमा, जितने शुरूर से पना मांगी हिफाजत फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाईन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।